Hey, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अकबर 07 में। तो आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले माउंटेन VPN एप्लीकेशन के बारे में। रेटिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 4.3 है और 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। इस एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, 28 मई 2022 को रिलीज हुआ था और 28 मई 2022 को अपडेट भी हो चुका है। अपडेट के बाद से बहुत से लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो ये एक VPN की एप्लीकेशन है। अलग अलग सर्वर को किस तरीके से कनेक्ट करना है और कैसे अलग अलग सर्वर को कनेक्ट करने के बाद में हम उसे कनेक्ट करके इंटरनेट की स्पीड को हाई करेगी और क्या इस एप्लीकेशन से प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या फायदे होने वाले हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर देना दोस्तों। एप्लीकेशन को ओपन करते से यहाँ पे थोड़ा वेट वगैरह लेगा, तो आपको थोड़ी देर वेट कर देना है। वेट करने के बाद में एडवर्टाइजिंग आएंगे दोस्तों, तो आपको एडवर्टाइजिंग को भी नीचे की साइड से हटा देना है। हटाने के बाद सर्वर इस तरीके से यह कनेक्टिंग हो चुका है मेरा पहले ही ऑलरेडी, क्योंकि मैंने पहले ही कनेक्ट करके रखा था। और आपको बता दो, अगर आपको सर्वर चेंज करना है या कनेक्ट करना है तो आपको यह डलास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। सर्वर कनेक्ट करने के लिए हम जैसे क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजिंग आते हैं, तो उसको ऊपर की साइड से आपको हटा देना है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग को मैंने भी हटा दिया है यहाँ पर, और आप देख सकते हो माउंटेन फास्ट सर्वर डलास VPN का सर्वर आपको देखने के लिए मिलता है। अब जो भी सर्वर आप कनेक्ट करना चाहो उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करके ऑन कर देना है। तो यहाँ पर मैं माउंट फास्ट सर्वर पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों, एक नोटिफिकेशन को ऊपर की साइड से आ जाती है और सर्वर कनेक्ट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पर जैसे सर्वर कनेक्टिंग होता है तो एक एडवर्टाइजिंग भी आती है, तो उसको एडवर्टाइजिंग को हटा देना है। कनेक्शन सक्सेसफुल हमारा हो चुका है पूरी तरीके से। आपको बैक के बटन पर क्लिक कर देना है। बैक के बटन पर क्लिक करने के बाद में सर्वर कनेक्टिंग हो जाता है। 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्जन देखने के लिए मिलता है जो कि 1.0.0 है। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से आप रेटिंग कर सकते हो, शेयर ऐप भी यहाँ से कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कोई दिक्कत होती है दोस्तों, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट बात कर सकते हैं लिखकर। और अगर आपको फिर भी कोई एप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम, तो डायरेक्टली इसके फीडबैक पे जाकर आप डायरेक्टली यहाँ से फीडबैक भी दे सकते हो। आई होप कि हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझा दी है। कहीं पर भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बात कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने को आपको सलामत रखें। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।